तो कैसे हो भाई लोग। और गोफर गोल के इस एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं यूरोपियन फुटबॉल के टॉप 5 लीग की अपडेट्स, और उसी के साथ बहुत सारे ट्रांसफर न्यूज़ेस, र्यूमर्स भी है और छोटे मोटे कुछ न्यूज़ भी है। तो पूरा वीडियो देखना और इसी तरह हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ लीग अपडेट से। तो पहले ही आते हैं हम EPL की तरफ। तो जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि EPL स्टार्ट हो गया है, तो समझ लो यार EPL स्टार्ट हो गया है। और फर्स्ट मैच था फुलहैम वर्सेस आर्सेनल, जिस मैच में आर्सेनल ने 3-0 से विन हासिल किया। और आर्सेनल एक बहुत ही कम्पैक्ट फुटबॉल खेल रही थी, और मैं जैसे बता रहा था अगले सीज़न के एंड में भी कि आर्सेनल आर बैक ऑन ट्रैक, और वैसा ही हुआ। और मेरे ख्याल से आर्सेनल इस बार कंपटीशन में वापस आएगी और शायद ये टॉप 5 टीम्स में एक हो सकती है और बहुत अच्छा कंपटीशन देगी बाकी टीम को। तो उसी के बाद और एक मैच था लिवरपूल वर्सेस लीड्स। अब ये मैच देखने लायक था क्योंकि फॉर्मर चैम्पियन लिवरपूल या फिर डिफेंडिंग चैम्पियन कुछ भी कह लो, उनको एक न्यूली प्रोमोटेड टीम ने इतना अच्छा कंपटीशन दिया। मैं सच बताऊँ तो लिवरपूल जीती है ठीक है, लेकिन लीड्स बेटर फुटबॉल खेल रही थी लिवरपूल से, ठीक है। इवन सेकेंड हाफ में लीड्स ने बहुत ही अच्छा कंपटीशन दिया लिवरपूल को। और सच बताओ तो पता नहीं लिवरपूल को क्या हुआ, जर्गन क्लॉप को शायद थोड़ा और वर्कआउट करने की ज़रूरत है लिवरपूल स्क्वाड को लेके। मुझे तो लगता है यार लीड्स एंड एवर्टन EPL के इस बार डार्क हॉर्स निकल सकते हैं। तो अगर इसमें एक अलग से एपिसोड चाहते हो तो मैं बना दूंगा, मुझे कमेंट में बताओ, या फिर 10 लाइक हिट कर दो यार, लाइक हम रखते हैं 10 लाइक। तो नेक्स्ट जो मैच था वेस्ट ब्रॉम वर्सेस लेस्टर सिटी, और मैं पर्सनली लेस्टर सिटी का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो लेस्टर सिटी में मैं बेसिकली जेमी वर्डी के लिए ही सपोर्ट करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा एक कॉम्पैक्ट फुटबॉल खेला लेस्टर सिटी ने, और एक कम्फर्टेबल 3-0 विन एज ऑफ अ गुड स्टार्टिंग शुरू किया उन लोगों ने अपना कैंपेन दिस सीज़न EPL का। और एक जो इम्पॉर्टेंट मैच था देखने लायक वो था एवर्टन वर्सेस टोटेनहैम, और इसमें टोटेनहैम को 1-0 से एवर्टन ने हरा दिया। और न्यू कमर लैमेला एंड उसका नाम जेमी रॉड्रिगेस ने बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला, और यू नो एज अ डेब्यू उन्होंने बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस ऑफर किया। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ एवर्टन इस बार EPL का डार्क हॉर्स निकल सकता है, तो देख लेना। और जो फाइनल मैच था वो था चेल्सी वर्सेस ब्रिंगटन। तो इस मैच के बारे में मैं बोलूँ तो चेल्सी ने यू नो एज अ न्यू स्क्वाड चालू किया है और बहुत सारे नए प्लेयर्स आए। मैं टीमो वर्नर के परफॉर्मेंस से तो खुश हूँ, लेकिन काय हावर्ट्ज़ के परफॉर्मेंस में मैं थोड़ा बहुत यू नो एक डिसअपॉइंटेड हुआ। लेकिन फर्स्ट मैच से चलता है यार, धीरे धीरे टीम जैसे सेट होती जाएगी और अच्छा फुटबॉल वो लोग खेलने लगेंगे। तो लीग वन के स्टार्टिंग में ही PSG ने जैसे एक न्यूली प्रोमोटेड साइड से 1-0 का यू नो एक डिफीट टेक किया था, और इस बार भी मार्शल के साथ उन लोगों ने फिर से 1-0 का डिफीट हुए वो लोग। अब मैं सच बताऊँ तो ये मैच मैंने पर्सनली देखा नहीं, लेकिन शायद ये मैच WWE ज़्यादा था लीग वन से, क्योंकि लिटरली तुम लोग रेड कार्ड्स देख सकते हो। अब जैसा कि मैंने एक यू नो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सुनी, वो थी मार्शल के एक प्लेयर ने नेमार को एक रेसिज्म फुल हेड स्पीच दिया था, और उस हिसाब से नेमार भड़क भी गए और उन्हें एक थप्पड़ मार दिया, और ऐसे ही कुछ हुआ। तो आगे कोई भी अपडेट मिलेगा तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और फाइनली आते हैं जुवेंटस की न्यूज़ की तरफ। तो अभी तक सीरिया स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जुवेंटस ने अपना पहला पर्लो के अंडर मैच खेल लिया है, और उन लोगों ने 5-0 से नोवारा को हराया है। एक फ्रेंडली मैच था और रोनाल्डो ने गोल किया है पहला गोल, और बहुत ही एक अच्छा मैच था, और जुवेंटस ने एक कंफर्टेबल विन हासिल किया जैसा हम लोग चाहते। और बार्सिलोना ने भी यहाँ पे प्री सीजन मैच खेल रहा है अपना पहला, और जिसमें 3-1 से बार्सिलोना जीती है, और लगभग सारे प्लेयर्स ही बहुत ही अच्छे फुटबॉल खेले हैं। और मुझे लगता है बार्सिलोना के मिडफील्ड में और थोड़ा यू नो मोबिलिटी चाहिए, क्योंकि मैंने मैच देखा था तो वो मुझे लगा। और जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, अब आते हैं कुछ ट्रांसफ़र न्यूज़ और र्यूमर्स की तरफ। तो पहले आते हैं बड़े न्यूज़ की तरफ। तो एम्बापे ने
साफ बोल दिया है कि वो इस सीज़न के एंड में पीएसजी छोड़ना चाहते हैं। अब ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, एक स्पेनिश मीडिया मुंडो डेपोर्टिवो, मैं सोर्स का नाम भी बोल दिया, तो उन्होंने ये न्यूज़ लीक किया है और सुना जा रहा है कि रियल मद्रिद में ही आने के लिए वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी एक सीज़न वेट कर लो यार, आगे देखना है कि क्या न्यूज़ आता है और कोई अपडेट मिलूंगा तो मैं दे दूंगा। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है गैरेथ बेल को लेके। तो आपको पता है कि जीदान के आने के बाद से ही गैरेथ बेल प्रीटी मच एक बेंच वार्मर बन गया है। तो उस हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो पहले सैंचो का डील को लेके एक बातें चल रहा था, तो वो डील से अब उन लोगों ने थोड़ा हट के बेल को शायद एक 20 मिलियन ऑफर किया है। तो मेरे ख्याल से बेल अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करेगी तो अच्छा ही। और जो एक र्यूमर आया है वो है बार्सिलोना के साथ, जो मेम्फिस डिपाई का मैंने स्ट्रॉन्ग र्यूमर कहा था, वो शायद डील डन हो चुका है। अब मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खबर नहीं है तो मैं अभी तक तुम लोग को ये एश्योरिटी नहीं दे सकता कि ये डील डन हो गया है गया है, लेकिन अगर हुआ है तो तुम लोगों को 2 वीक के अंदर अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों को शेयर करो, उन्हें बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, और तुमने अभी तक खुद नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे अमेजिंग फुटबॉल कंटेंट्स डेली बेसिस पे आते रहते हैं। तो फिर मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए MD साइनिंग ऑफ फ्रॉम गो फॉर गोल।